अरे छुई लगड़ी वेला है। मेरे पीछे देखो कितने सारे खुम लगे हुए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं तोलू। ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े लिम्बे लगे। हे गाइस कैसे हैं आप सब, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली, मतलब रात को मैं बैजरा आ रहा हूँ और सुबह जाऊँगा रोडवेज। तो अभी मैं आया हूँ बजवाड़ के रास्ते और यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि मैंने सोचा टैक्सी वगैरह मिलेगी बैजरा के लिए, बट मिली नहीं। तो हम पैदल जा रहे हैं और यहाँ से अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुकई में। ये पीछे सुकई का मंदिर दिख रहा होगा और यहाँ तो भाई मजे हैं लोगों के। देखो रोड के सामने ही घर है, हमें जाना पड़ता है पैदल पैदल। देखिए अभी ये लोग भी जीओई से आ रहे हैं, पुजाई थी जीओई में और इन्हें जाना है कक रोड, मतलब बैजरो से भी बहुत आगे। और स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं पीछे से। ये देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े लिम्बे लगे हुए हैं। ये देखो गाइस ये रोड जा रही है सुकई के लिए, मतलब सुकई गांव का सही मजे है। यहाँ से वो सामने है सुकई गांव, वहाँ नीचे भी रोड है और इस साइड से भी रोड चली गई है सीधे गांव में। हमारे गांव में पता नहीं कब आएगी। मेरे पीछे देखो कितने सारे खुम लगे हुए यहाँ पे कुंडतोली और सुकई वालों के। ये पूरी खेती देखो, यहाँ एक भी खेत बंजर नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं। और देखो कितने सारे पलकुंडी लगे हुए हैं, कहीं पलकुंडी बोलते हैं कहीं खुम बोलते हैं, हमारे यहाँ तो खुम बोलते हैं तो हम खुम ही बोलते हैं। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ कुंड गांव में नहीं मतलब नीचे रोड में। तो अभी गाइस मैं पहुँच चुका हूँ कुंड में, इस गांव को बोलते हैं कुंड गांव है ऊपर, और ये है मेन रोड। और यहाँ से नीचे ये नदी है पूर्वी नयार, और अभी ये रोड सीधे जा रही है बैजरा। तो अभी कुंड के बाद आएगा तोलियो, तोलियो के बाद आएगा बैजरा। तो गाइज ये है कुंड गांव और ये गांव बिल्कुल रोड के सामने है। तो यहाँ पे घर भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं और मतलब हमारी जैसे किस्मत नहीं है इनकी कि पैदल आए, सीधे ऊपर से आना है रोड में। देखो कुछ घर तो यहाँ रोड में ही बने हुए हैं, वैसे सब लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम यहाँ पर ना टैक्सी मिलती ना बस मिलती, तो सब भाग रहे हैं। रोडवेज आएगी अभी शाम के 6:30 बजे, तब तक तो हम पहुँच जाएंगे। अच्छा तो अभी हम कुंड से आगे पहुंच चुके हैं, पीछे आ रही है मम्मी। मम्मी की तो हालत खराब हो गई है पैदल पैदल। वो देखो सिर में रखा हुआ है फंचा और एक बैग मैंने ला रखा और एक कंधे में रखा हुआ है, बट बहुत थकान लग गई सच में, हालत खराब। बैजरों में जाके आराम से सो जाएंगे, कल सुबह तो जाना ही है। ये देखो ये जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है इसको जलाण बोलते हैं, ये हमारे यहाँ की है। वो जो ऊपर लास्ट चोटी है वो हमारे गांव का रास्ता है उधर से मटेला होते हुए। और ये जो बड़ा सा एक पेड़ दिख रहा होगा वो तूड़ी का पेड़, जो मैंने कई ब्लॉक्स में आपको दिखाया था। तो अभी हम कुंड पार कर चुके हैं और बाकी लोग भी रास्ते लगे हुए हैं सारे पैदल। आज जीवाई गांव में पुजाई थी तो वहीं से आ रहे हैं सब के सब, हम भी पैदल ही जा रहे हैं भाई। ये देखिए मतलब ऐसा घर अगर मेरा होना ऐसे रोड साइड में तो भाई मज़े ही आ जाने हैं। देखो वहाँ से घर से और सीधे रेलिंग लगी हुई है और यहाँ से ये रोड है, मतलब भाई साहब मज़े तो ऐसी ही जगह रहने में। ये गाड़ी जा रही है बट ये हमें लेके नहीं जाएगी क्योंकि ये पर्सनल गाड़ी है लोगों की। और इधर देखिए पूरा झाड़, ये जो झाड़ है ना इसको पागल झाड़ बोलते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं तोलू गांव में, और तोलू गांव ना मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है क्योंकि यहाँ रोड के थोड़ा सा ऊपर और गांव, मतलब
हम लोग हमेशा से सोचते थे कि हमारे जो परदादा थे काश तोलू जैसी जगह में होते तो आज हमारा गांव भी खाली ना होता, हम लोग भी रहते भाई आराम से आए और अपना रोड में गाड़ी से और गाड़ी से सीधे ऊपर। बट हम लोगों की किस्मत में नहीं है, हमारे दादाजी मुझे लग रहा है अकेले में वहाँ रहना चाहते थे। ऊपर देखो वहाँ वहीं सजानी थी उन्हें, वाकई सजान हमारे दायज था ही। हमारे दायज भी पता नहीं किस वाच उबर थे उस टाइम, तो खैर लकड़ी और पानी की वजह से लोग दूर दूर जाते थे, बट उन्हें क्या पता था कि कल को रोड भी आनी है। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं तोल्यू में, पहुँचने वाले हैं। सामने जो गाँव दिख रहा है वो तोल्यू है और ये बिल्कुल पास में हमारा पड़ोसी गाँव मटेला। वो आज हम मटेला के रास्ते नहीं आए क्योंकि हमने कहा बंजाड़ के रास्ते चलते हैं और वहाँ से थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे, बट मिली नहीं तो हम दोनों के दोनों पैदल लगे हुए। यहाँ पे जल रही है आग, तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं तोल्यू में और यहाँ से मैं तोल्यू गांव दिखाता हूँ। देखो रोड के कितने पास है, मतलब मेरा फेवरेट गांव रहा है ये बचपन से, जब से हो संभला है तब से। देखो बिल्कुल पास में मस्त सा मकान बन रखा है देखो ऊपर। तो अगर ऐसे गांव हो रोड के पास में तो भाई शहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, यहीं पे कुछ कर ले आदमी। ये देखो ये इसको डेढ़पाला बोलते थे पहले, ये आधा मतलब बाहर छत नहीं है ना इस पर, तो इसको बोलते थे डेढ़पाला। ये जो सामने घर दिख रहा है आपका, ये देखो सामने मटेला गांव। अभी हम पहुंचने वाले हैं तोल्यू धार में और स्कूली बच्चे अभी लगे हुए हैं बेचारे रास्ते, क्योंकि आजकल दिन का स्कूल है, 4 बजे छुट्टी होती है तो लगे हुए हैं। हर हर महादेव। तो गाइज ये है मटलेश्वर महादेव। इस बार हम इस रास्ते आ गए तो सामने से दिखा नहीं पा रहे हैं, तो यहीं से मैं आपको महादेव के दर्शन करवाता हूँ। और कभी ना हम लोग भी वहाँ से पैदल जा रहे थे मटेला के रास्ते और हम सोचते थे यार कि वो रोड वाले कितने खुशकिस्मत है कि उन्हें रोड का रास्ता मिला है, बट आज हम भी रोड में ही आ रहे हैं भले ही है कुंतोल्यू की। तो चलिए गाइज, यार कोई फायदा नहीं हुआ आज मंजवाड़ के रास्ते आने का, हमने सोचा टैक्सी मिल जाएगी बट कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली, क्योंकि शाम का टाइम है और यहाँ पे टैक्सी नहीं मिलती। ऊपर से देहरादून वाली रोड पे जाएगी तो वो आएगी 6:30 बजे, तब तक तो रात हो जाएगी। तो हम वैसे पहुँचने ही वाले हैं तोल्यू ढैया में, हैं यहाँ पे जो बोलते हैं इसको तोल्यू ढैया, और यहाँ से थोड़ा सा रह गया बैजरो, फिर आराम से रात भर होटल में रहेंगे और फिर सुबह जाएंगे फरीदाबाद बाय दिल्ली। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है ये तोल्यू का ढैया बोलता है और सामने है तलाई और वो उसके उस साइड है बैजरो। बाइक वाले आ गए, यहाँ पे बैठ रखे हैं दादिया। कन मानी जगह में बैठा था तुम बार छुई लगड़ी वेला लिया थी मूंगफली भांगुल तो गाइज आपको जो सामने दिख रहा है ये है तलाई, नीचे जो छोटे छोटे मकान हैं ये PWD के हैं, कभी हम यहाँ दूध वगैरह देने जाते थे। और वो है बाजार, तलाई बाजार, और अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं बैजरो। तो ये देखो यहाँ पे रोडवेज भी खड़ी है, कल सुबह जिसमें हमें जाना है वो यहीं पे खड़ी हो रखी है और अभी रात को ये नीचे मार्केट में आ जाएगी। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैजरो और अभी यहाँ पे हो गया है अंधेरा बिल्कुल, और ये देखिए ये है बैजरो
मतलब नीचे बाजार है ऊपर, और वो सामने है नदी और दरिया देवता। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि अंधेरा हो गया और सुबह हम अंधेरे में ही निकल जाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो यहीं से अभी अंधेरे में ही दरिया देवता देख लीजिए आप। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तल्ली दीवा में, और यहाँ पे सारी बसें गाड़ी जितनी भी आती है यहाँ पे टीका लगाने के लिए ज़रूर रुकती हैं। तो होप गाइज आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।